तो भाई आज जा रहा हूँ मैं चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जाने से सबसे पहले जो सारे गैजेट्स हैं ना वो करना है चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज करते हैं। तो भाई सारी चीज़ें चार्ज पे तो लगा दी, अब बारी है पैकिंग की। पर ये जो मेरे घर के पीछे स्कूल है ना, यहाँ पे एनुअल फंक्शन चल रहा है, देखो डांस ब्राजील। हाँ जी भाई, तो इस ट्रिप में मैं अकेला जा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल कोई है नहीं मेरे साथ। तो मुझे 12 बजे निकलना था बट 2 बज चुके हैं, तो चंडीगढ़ पहुँचना है, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। वैसे तो 4 घंटे लगते हैं। रास्ता मैंने इसलिए लिया था कि जाम नहीं लगेगा, बट यहाँ तो हद है, आज नहीं पहुँचने के टाइम। तो भाई करनाल पहुंच चुके हैं, अभी 1.5 घंटा और लगेगा बस। कमर अकड़ गई भाई अकेले अकेले, बट कोई नहीं, ये हमारा ब्रेक था पहला, अब सीधा रुकेंगे चंडीगढ़ी। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, जैसी रात शुरू होती है ना सारे बंदे अपनी हाई बीम खोल लेते हैं और एक दूसरे की आंख फोड़ने में तुले रहते हैं। तो भाई इंडिया में इतने एक्सीडेंट होते हैं ना हाई बीम की वजह, पर लोगों को समझ में नहीं आती कि भाई लो बीम भी एक चीज़ होती है। इसका सोल्यूशन पता नहीं कब निकलेगा इंडिया में, मैं नहीं जानता भाई। लाइसेंस रद्द कर दो हाई बीम वालों, आंखें मतलब ऐसी हो जाती हैं भाई, एक तरफ से तो दिखना बंद हो जाता है। तो भाई फाइनली 4 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच चुका हूं चंडीगढ़, और जो चंडीगढ़ आने का रीज़न है वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यूट्यूबर की, फुल टाइम यूट्यूबर की लाइफ कैसी होती है, तो अगला वीडियो उसी टॉपिक पर आने वाला है। और चंडीगढ़ आके एक बार रीयूनियन हो गया है मेरा दोबारा स्वीटी के साथ। स्वीटू, ये जिसने पुराने व्लॉग देखे हैं पता होगा, किसी देख रहा है। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मैं अपना थोड़ा एडिटिंग का काम कर लूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, पीस आउट। अब भूल जा, सीटी हमारी होगी।